not a game, it's a rich thing. ओके सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में iOS वाली राउंड एज वाली स्टोरी किस तरह से शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिलेगी। सो उसे ओपन करके इस जिप फाइल को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। देन आपको जेड आर्चीवर ओपन करना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पर आपको उस जिप फाइल को ढूंढना है। तो उस जिप फाइल का नाम है इंस्टा फ्लो। तो इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके जो पासवर्ड है वो आपको वीडियो में ही कहीं देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना अपने डिवाइस में। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली से इसे ओपन करना है और अपने इंस्टा आईडी इसमें लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन हो जाने के बाद अगर आप कोई भी रील शेयर करोगे तो वो एंड्रॉइड जैसे ही शेयर होगी। सो आईफोन जैसे राउंड एज वाली स्टोरी शेयर करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। सो उसके लिए आपको जो ये होम बटन है इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मॉडिफाई क्विक एक्सपेरिमेंट वाली सेटिंग्स है वहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक स्टोरेज वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको उसे ओपन करना है और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्लिप वीडियो स्टिकर्स वाले ऑप्शन जितने भी देखने को मिलते उन सबको इनेबल कर लेना होगा। देन आपको बैक जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर जो आईफोन वाली राउंड एज वाली जो स्टोरी है वो यहाँ पर आ चुकी है, जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।